हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजोफोरिया और इजोट्रोपिया के बारे में। इजोफोरिया या इजोट्रोपिया स्क्विंट बेसिकली कौन सा होता है? बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई जिनमें मैंने आँख बाहर कब जाती है, क्यों जाती है और आँख बाहर जाने के पीछे क्या कॉज होता है और कैसे इसको ठीक करें, इनके बारे में बताया। तो आज मैं बेसिकली इजोफोरिया के और इजोट्रोपिया के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को ये चीज़ नहीं पता कि कुछ हम एक्सरसाइज किन कंडीशन के अंदर नहीं कर सकते। जैसे कि जो पेन वाली हमारी एक्सरसाइज है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है स्क्विंट के अंदर, मैंने अपनी बहुत सारी पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो वो एक्सरसाइज हम इस कंडीशन के अंदर नहीं कर सकते जिस कंडीशन को हम बोलते हैं इजोफोरिया या फिर इजोट्रोपिया। इजो का मतलब बेसिकली होता है कि आँख का अंदर की तरफ जाना। जैसा कि आप एक इस इमेज में देख सकते हो, हमारी ये जो आँख है ये बिल्कुल सीधी है, ये आँख हमारी अंदर की तरफ जा रही है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम इजोट्रोपिया। जब हमारी जो आँख होती है वो परमानेंटली अंदर की तरफ रहती है तो इसको हम बोलते हैं इजोट्रोपिया। जब हम आँख हमारी वैसे बाहर रहती है नॉर्मली, पर जब हम आँख को कवर करते हैं, जैसे आप देख रहे हो इसमें कवर करा, ऐसे अगर हम आँख कवर करेंगे उसके बाद जैसे ही हम इसको अनकवर करेंगे तो हमें दिखेगा कि आँख जब हम कवर करते हैं तो वो रिलैक्स मोड में चली जाती है और जैसे ही हम उसे अनकवर करेंगे तो वो वापस से बाहर की तरफ आती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम इजोफोरिया। तो ये प्रॉब्लम हमें कभी कभी देखने को मिलती है, जैसे जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, जब हमारा बेसिकली हम फोकस से नहीं देख रहे होते उस टाइम पे हमारी ये आँख अंदर की तरफ मतलब रिलैक्स मोड में चली जाती है और हमारी आँख अंदर की तरफ हो जाती है। जैसे ही हम फोकस करके देखते हैं, थोड़ा सा जोर लगा के देखते हैं अपनी आँख पे, हमारी आँख वापस से बाहर आ जाती है और हमें सीधा दिखने लग जाता है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें इस कंडीशन के अंदर पेन वाली एक्सरसाइज नहीं करनी होती। पेन वाली एक्सरसाइज इस कंडीशन के अंदर हमें क्यों नहीं करनी होती? पेन वाली एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है, हमारी जो मसल होती है वो पास की तरफ कन्वर्ज होती है। जैसे कि मैंने पेन को देखा, अब मेरी क्या होगी, दोनों आँख कन्वर्ज होगी और मैंने और पास देखा तो और ज़्यादा कन्वर्ज होगी। तो इजोफोरिया में तो हमारी आँख पहले से ही बहुत ज़्यादा कन्वर्ज है, बहुत ज़्यादा पास की तरफ आ रखी है, तो इसमें हमें पेन वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी होती। इजोफोरिया की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की आँख में प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि पेशेंट को पास का देखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो विज़न बनता है जब दोनों आँखें बिल्कुल पैरेलल होती हैं तो हमारा विज़न ऐसे करके इमेज यहाँ बनती है। जब आँख पैरेलल नहीं होती तो एक आँख की जो डायरेक्शन जा रही होती है वो मतलब थोड़ा आउटवर्ड जा रही होती है। अब जैसे इस आँख की है तो ज़्यादा इनवर्ड की तरफ जाएगी इसकी, और ये सामने, तो हमारा डिप्लोपिया मतलब डबल विज़न की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पेशेंट को हेडेक की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि उसको वो परफेक्ट विज़न नहीं मिलता। साथ में इन पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि प्लस का चश्मे का पावर कई बार देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि इजोफोरिया और इजोट्रोपिया, ये जो दोनों कंडीशन होती हैं, इनको कैसे ठीक करा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपकी आँख अंदर की तरफ है तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है ये वाली। इसमें क्या करना है, आपको पास से नहीं करनी एक्सरसाइज, दूर से करनी, मतलब जो फोकस पास नहीं रखना ताकि मसल कन्वर्ज ना हो, थोड़ा रिलैक्स रखना है, पूरा राइट लेके जाना है, उसके बाद अपनी आँखों को पूरा लेफ्ट लेके जाना है, फिर अपनी आँखों को पूरा राइट लेके जाना है, फिर पूरा लेफ्ट लेके जाना है। इस एक्सरसाइज से आपकी आँखों की मसल्स में इफेक्ट बढ़ेगा और आपकी आँख की मसल्स पूरा रोटेट होंगी। इसके अलावा हमें एक एक्सरसाइज करनी है जिसको हम बोलते हैं 360 रोटेशन, जिसमें हमें अपनी आँखों को पूरा क्लॉकवाइज पहले घुमाना है, उसके बाद अपनी आँखों को पूरा एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाना है, रोटेट करना है, फिर से क्लॉकवाइज और फिर से एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज भी हमें दिन में 2 से 3 बार करनी है। इसके अलावा अगर आपकी आँख में चश्मे का नंबर है तो चश्मा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंडीशन के अंदर। मोस्टली केसेस में इस कंडीशन के अंदर हमें प्लस का चश्मा देखने को मिलता है, तो आपको पूरे दिन चश्मा ज़रूर लगाना है और कोशिश करना है एक्सरसाइज जो करनी है वो भी चश्मा लगा के ही करनी है। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है प्रॉपरली जो मैंने बताई, उसके साथ आपको अपना चश्मा यूज़ करना है, जो भी आपका चश्मे का नंबर आ रहा है वो आपको पूरे दिन ज़रूर लगाना है। उसके साथ तीसरा आता है हमारा डाइट।
हमें प्रॉपर अच्छी डाइट लेनी है। डाइट में हमें ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, कलर फ्रूट्स ऐड करने हैं, कैरेट ऐड करनी है, ये सारी चीज़ हमें डेली रूटीन में लेनी है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पाते तो मल्टी विटामिन्स आती हैं, वो मल्टी विटामिन्स आप मार्केट से ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर पर ही मिलती है। अगर इसके अलावा और कोई आपका डाउट है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके हमसे व्हाट्सएप में कंसल्ट आप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।